बीएसएल पुलिस थाना सुंदरनगर में ग्राम पंचायत अपर बेहली के गांव समकल के छुड़ू नाला में बाबा की कुटिया में अप्राकृतिक आपत्तिजनक और असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इस बात का पर्दाफाश उस समय हुआ जब जागीर सिंह पुत्र गांधीराम निवासी हरवाणी अपनी पत्नी नरदू देवी के संग बाबा की कुटिया में अपने बेटे की तलाश में पहुंचा तो वहां पर 7-8 लड़के कृपा राम के साथ कुटिया में बैठे थे और आपस में शराब पी रहे थे। कृपा राम के साथ दुर्गादास निवासी खतवाड़ी व अर्जुन पुत्र गोविंद राम और 4 लड़के बैठे थे जिनका नाम शिकायतकर्ता ने नामालूम बताया है। उन्होंने बताया कि जब वे अपने लड़के को कॉलर से पकड़कर घर की ओर ले जाने लगे तभी कृपा राम सहित अन्य ने उनके साथ मारपीट किया और उनका रास्ता रोका। वे बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागकर वापस आए हैं। इस सारी घटना की सूचना उन्होंने थाना पुलिस सुंदरनगर में दी है। इस झगड़े में मस्तराम और जागीर सिंह को काफी चोटें आई हैं। मस्तराम ने अपनी मेडिकल नहीं करवाया है लेकिन जागीर सिंह ने अपना मेडिकल करवाया है। जागीर सिंह को इस घटना के दौरान कमर व बाजू में चोट आई है। जागीर सिंह ने बताया कि दास और अर्जुन ने कॉलोनी थाने में उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। जागीर सिंह पुत्र गांधी राम की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई तेज की जा रही है। थाना प्रभारी प्रकाश चंद ने बताया कि हेड कांस्टेबल बीरबल सिंह मामले की जांच कर रहे हैं और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। जागीर सिंह काम हरवाणी अपर बेहली नाचन क्षेत्र का स्थायी निवासी हूं और मैं सर्वसाधारण को सबको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे गाँव समतल में जहाँ पर हमारा छतरवाड़ी गाँव हरवाणी गाँव उसके सराउंडिंग एरिया में आता है उसके नज़दीक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक हमारे बाबा की कुटिया का निर्माण किया गया है जिसमें उस कुटिया का जो प्रधान है वो ताराचंद सनक उपनासी समकल गांव का है और उस कुटिया में ताराचंद ने चौकीदार कृपा राम को वहां पर रखा हुआ है। कृपा राम आईपीएच विभाग में सरकारी कर्मचारी है। वो उसका 4 बजे के बाद वहाँ पर वो चौकीदारी करने के लिए जाता है और उस कुटिया में एक उन्होंने बाबा रखा हुआ है। उस बाबा का कोई उसका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है और उस कुटिया में विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि उस कुटिया में 4 बजे के बाद शाम को नौजवान लड़के जो उस कुटिया के सराउंडिंग एरिया में जो गाँव आते हैं वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर शराब भांग और चीटे का प्रयोग खुलम खुला होता है। तो दिनांक 10/5/2020 को जब हम घर में अपना कार्य कर रहे थे तो शाम को जब हम 6-7 बजे घर में आए तो मेरा लड़का घर में था, मौजूद था। जब वो घर में मौजूद नहीं पाया गया तो हमने उसको फ़ोन पर टेलीफोनिकली उसको उसकी जानकारी दी कि आप कहाँ पर हैं। तो बेटे ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। फिर उसके पश्चात लगभग 9-10 बजे का टाइम हुआ तो लड़के के वीडियो कॉल हमें आती है और लड़का हमें बताता है कि मुझे यहाँ पर लोग पीट रहे हैं। फिर हमने बोला कि आप कहाँ पर हैं। उसने वीडियो कॉल में उसमें एक कृपा राम जो चौकीदार वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है उसका फोटो उसकी मोबाइल पे आ जाता है। तो मोबाइल पे मेरी पत्नी बोलती है कि ये तो कृपा राम है। तो जब हमने पता किया कि कृपा राम इस वक्त कहाँ है तो कुछ गाँव के लोगों ने बताया कि वो तो वहाँ कुटिया में चौकीदारी करता है। तो मैं और मेरी पत्नी